भारत माता की जय। दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं वीडियो के थ्रू एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो अभी इस जो बीमारी से हम लड़ रहे हैं, इस महायुद्ध की तरह एक इस बीमारी से हम जो लड़ाई कर रहे हैं, सारी दुनिया, पूरे वर्ल्ड इससे फाइट कर रही है। तो मुझे इसमें ऐसा लगता है जैसे एक महाभारत में हम महाभारत की तरह हम इसको युद्ध को लड़ रहे हैं। हम उसको एक ऐसे महाभारत की तरह देखते हैं, जैसे कि महाभारत में जो पांडव होते हैं, वो पांडव जो है वो कौरवों से लड़ाई करते हैं। और मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि जो पांडव हैं, वो हमारे मंत्री हैं, सीएम, जो हर स्टेट के जो सीएम हैं, और जो डॉक्टर हैं, जो पुलिस है, और जो उसमें जो उनको सहयोग दे रहे हैं, उसको मैं एक पांडव की तरह मानता हूँ। और जो कौरव है, कौरव जो है वो कोरोना वायरस है, और जो कोरोना वायरस के साथ जो उनका साथ दे रहे हैं, जितने भी लोग हैं, मंदबुद्धि लोग हैं, अनएजुकेटेड पीपल हैं, जिसको ये नहीं पता हम क्या करने जा रहे हैं, तो मैं उनको एज ए कोरोना यानी कौरव की सेना मानता हूँ। और जो पांडव है, हम जो पांडव है इस महाभारत के युद्ध में, इस महायुद्ध में हम उस कौरव को हराने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। और इसमें जो हमारी जो सहायता कर रहे हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं एज ए कृष्ण की तरह मानता हूँ, जो कि हमें बार बार हमें कोरोना से लड़ाई करने के लिए गाइड करते हैं। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गाइडलाइन दिया था, गाइड किया था कि इस युद्ध को जीतने के लिए क्या करना है। वो उनकी बातें मानते थे और उनकी बातें को मान के, उन्हें ऐसे भगवान की तरह पूछ कर उन्हें बातें मान के वे महाभारत के युद्ध को जीता था। तो मैं भी अपने दोस्तों से और सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि प्रधानमंत्री को हम ऐसे कृष्ण की तरह माने और उनकी बातों को मानते हुए इस महाभारत के युद्ध को कोरोना से फाइट के जीतें, ठीक है। और आज जो जो प्रधानमंत्री के कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है, जैसे भीड़ में हमें नहीं चलना है, और डिस्टेंस बना के रखना है, और जो हैंड हैंड को अच्छी तरह 20 सेकंड तक से धोना है, ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें माननी चाहिए। और इससे हम इस महायुद्ध को, इस महाभारत के युद्ध को हम कौरव से या कोरोना से हम उसे जीत सकते हैं, ठीक है। और आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि 9 बजे 9 मिनट के लिए हमें कैंडल, दिया या फिर टॉर्च, और फोन के ऐप में जो टॉर्च होता है उसको हम यूज करके हमें एक सबको एकजुट होके मिलना चाहिए, और हमें सबको एक साथ मिलके इस कोरोना से फाइट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।